हेलो स्टूडेंट्स, इट इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन द एड्रेस। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उस नरेटर के बारे में कि जो अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स लेने मिसी डॉर्लिंग के यहाँ जाती है और मिसी डॉर्लिंग जो है उसको पहचानने से इनकार कर देती है, यानी कि पहचानती नहीं है, पहचानने मतलब मना कर देती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना इस तरीके से। और उसमें मैंने ये बताया था, लेकिन नरेटर को ये पता चल गया था कि इसके गेट पर मिसी डॉर्लिंग भी लिखा हुआ है और नंबर 46 भी है, एड्रेस वही है। तो नरेटर को ये पता चल गया था कि ये जान पूछ करके नहीं मिली है, मैं सही एड्रेस पर आई हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, उसने कहा जैसे ही मैं स्टेशन पर वापस आई, धीरे धीरे चली और स्टेशन पर वापस आई, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो वो सोचती चली आई, अपनी मदर के बारे में सोचती चली आई। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो चलते जाते हैं और सोचते चले जाते हैं इस तरह। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, तो अपनी मदर के बारे में क्या सोची थी कि जिसने मुझे काफ़ी दिन पहले ये एड्रेस दिया था, वो बातें वो सोचती हुई आ रही है कि मेरी मदर ने काफ़ी दिन पहले ये एड्रेस मुझे दिया था मिसी डॉर्लिंग का। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये बात कब की है कि जो वॉर के फर्स्ट हाफ की, यानी कि जो वॉर स्टार्ट ही हुआ था उसके स्टार्टिंग की है ये। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, क्या कह रही है नरेटर यहाँ पे कि कुछ दिन मैं घर पर रही। एंड इट स्ट्रक मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, तो मैंने ये सडनली इमिडिएटली मैंने ये मेरे माइंड में आ गया, स्ट्रक कर गया कि रूम में कुछ चेंजिंग्स हैं, यानी कि कुछ चेंज है रूम में। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, यानी कि कुछ चीज़ें मैं मिस कर रही थी, यानी कि कुछ चीज़ें मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। माई मदर वो सरप्राइज, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, तो मेरी मदर इस बात को सरप्राइज कर रही थी कि मैंने ये सारी चीज़ें कितनी जल्दी नोटिस कर ली। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसी डॉर्लिंग, तो तब मेरी मदर ने मुझे मिसी डॉर्लिंग के बारे में बताया था। I had never heard of her, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, यानी कि क्या कह रही है नरेटर कि उससे पहले मैंने मिसी डॉर्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था। बट apparently she was an old acquaintance of my mother, तो क्या कह रही है apparently में जहाँ तक है कि वो मेरी मदर की पुरानी कोई जान पहचान की थी। whom she had not seen for years, और जिनसे मेरी मदर कई सालों से नहीं मिली थी, यानी कि पुरानी परिचित थी लेकिन बहुत सालों से अब नहीं मिली थी मेरी मदर उनसे। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, अब क्या हुआ कि जो मिसी डॉर्लिंग है उसने सडनली चेंज किया अपने अंदर, टर्न्ड अप किया। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यूड किया, रिन्यूड का मतलब तरोताज़ा किया, तरोताज़ा मीन्स यहाँ पे क्या है कि अब आना जाना शुरू किया, कहने का मतलब ये कि कभी पहले जान पहचान की थी उनकी मदर की, काफ़ी बीच उनके वो मिले नहीं आपस में बिल्कुल भी, लेकिन अब मिसी डॉर्लिंग ने आना जाना फिर से शुरू कर दिया, अपने कॉन्टैक्ट को फिर से रिन्यूड किया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और फिर तब से उसने रेगुलर आना शुरू कर दिया। एवरी टाइम शी लिव्ड हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर, तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि अब हर बार जब भी वो यहाँ पर आती है कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाती है यहाँ से। She took all the table silver in one go. In one go का मतलब in one go, यानी कि एक बार में ही वो सारी हमारी जो table silver थी, यानी कि जो चांदी की क्रोकरी थी, जो सिल्वर की क्रोकरी थी, वो ले गई एक बार में। And then the antique plate that hung there, और फिर वो एक एंटिक प्लेट थी जो टंगी रहती थी, फिर उसको भी ले गई। कौन ले गई? मिसेज डॉर्लिंग। शी हैड ट्रेवल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और बड़े बड़े उनके यहाँ वेसेस भी थे, यानी कि फूलदान भी थे, और उसे खींचने में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बड़ी परेशानी से, बड़े एफर्ट करके, कोशिश करके उनको खींचा था उसने। एंड आई एम वरिड शी गोट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी, और मुझे इस बात की चिंता हो गई थी कि इतना हैवी सामान खींचने से कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बैक में पेन हो जाए, क्रिक में पेन। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, पिटिंगली मतलब विद अ पिटी,
यानी कि मेरी मदर ने जो सिर हिलाया बड़ी मर्सी के साथ, बड़ी करुणा के साथ, बड़ी पिटी के साथ उसने अपना सिर हिलाया कि बेचारी कैसे ले जा रही है, कहीं इसके बैक में पेन ही ना हो जाए, कितना हैवी सामान ये उठा करके लेके जाती है हमारे घर से। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर, लेकिन अपने मदर से मेरी कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, कभी मैंने साहस नहीं किया उसके बारे में ज़्यादा पूछने का। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, तो उसकी मदर कह रही है कि उसने मुझे खुद ही सजेस्ट किया था, जो मिसी डोलिंग थी उसने मुझे खुद ही सलाह दी थी कि ये सामान ले जाने की, कि मैं तुम्हारा सामान ले जाती हूँ, सुरक्षित रख लेती हूँ, उसको सेफ रखती हूँ। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने इंसिस्ट भी किया था इस चीज को, मिसी डोलिंग ने उसकी मदर को इंसिस्ट भी किया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, तो क्या कह रही है कि वो मेरे सारे सामान को, जो नाइस थिंग्स थी, वैल्यूएबल जो थिंग्स थी, उसको वो सबको सुरक्षित रखना चाहती थी। इफ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेड, तो उसकी मदर ने कहा कि यदि हम इस सामान को अपने पास रखेंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलना है क्योंकि हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं और यहाँ से सामान सारा बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए जो मिसी डोलिंग है ये इसको सेफ रखेगी, सुरक्षित रखेगी, और हमें जब जरूरत होगी सामान को अपने को वापस ले आएंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, तो जो नरेटर है उसने अपनी मदर से पूछा कि क्या तुम इस बात से एग्री करती हो कि वो सामान हमारा सेफ रहेगा, वहां पे वो सेफ रखेगी सामान को, हर चीज जो हमारी सामान है, जो हर सामान को सेफ रखेगी, सही से रखेगी। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो जैसे कि ये बहुत जरूरी था, जैसे कि बहुत नेसेसरी हो, मेरी मदर जो थी एकदम चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, तो उसने कहा इस तरह से किसी के बारे में बात करना ये तो उसकी इंसल्ट हो गई। उसकी मदर को इस तरह से बड़ा गुस्सा आया जब नरेटर ने ऐसे कहा, तो उसने कहा कि इस तरह की तुम बातें कर रही हो ये तो इंसल्ट कब हो गई, दूसरे की इंसल्ट हो गई। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, तो उसकी मदर ने कहा कि उस रिस्क के बारे में सोचो जो वो रिस्क उठा रही है, जो उस रिस्क ले रही है, उस रिस्क के बारे में सोचो कितना रिस्क ले रही है वो। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, और जब भी वो हमारे घर से जाती है, तभी जब भी हमारे डोर से जाती है, वो हमेशा सूटकेस भरा हुआ लेकर के जाती है, बैग भरा हुआ लेके जाती है, तो उसके रिस्क के बारे में सोचो। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, अब मेरी मदर को उस समय ऐसा लगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यानी कि उनकी बेटी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कन्विंस्ड नहीं है। शी लुक्ड एट मी इम्प्रूविंगली, और उसने मेरी मदर ने यानी कि मेरी तरफ को ऐसे देखा, इम्प्रूविंगली का मतलब जैसे डांटते हुए, फटकारते हुए, जैसे इस तरह से देखा कि जैसे अभी भी वो डांट रही है उसको, भूली कुछ नहीं, लेकिन इस तरह से उनकी तरफ को देखा, नरेटर की तरफ को। And after that we spoke no more about it, और उसके बाद इस बारे में कभी हमारी ज्यादा बातें नहीं हुई, यानी कि हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और meanwhile, इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई और जो रास्ते में कुछ चीज़ें थी, यानी कि उस तरफ मैंने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, ध्यान नहीं दिया ज़्यादा रास्ते में, अटेंशन नहीं दी उधर। आई वॉज वॉकिंग इन अ फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, क्या कह रही है वो, वॉर के बाद उन फैमिलियर प्लेसेस पर मैं पहली बार वॉक कर रही थी, यानी कि पहली बार उन रास्तों पर जा रही थी, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम बाद। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन क्या कह रही है वो, जरूरत से ज्यादा और मैं आगे जाना नहीं चाहती थी, यानी कि यहाँ तो जरूरी था उसको, भाई वो उस एड्रेस पर आई, अपना सामान लेने आई, लेकिन कह रही है कि अब मैं जरूरत से ज्यादा आगे जाना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, क्या कह रही है यहाँ पे राइटर,
आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने को अब ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, जो घर थे, उनको देख करके उसे दुख हो रहा था। भाई बहुत साल पहले वो गलियाँ देखी उसने, वो स्ट्रीट्स देखी, वो हाउसेस देखे, फुल ऑफ मेमोरीज। अब क्या जो उसका प्रीशियस टाइम था, जो उसका बहुत वैल्यूएबल टाइम था, यानी कि गुड डेज थे उसके, अच्छे दिन थे, अब उनको, और उस समय उसका बड़ा अच्छा लगता था उन स्ट्रीट्स में जाते हुए, उन घरों को देखते हुए, अब उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो अब कह रही है कि अब मुझे ज़्यादा आगे मैं जाना नहीं चाहती थी और अपने को और ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहती थी। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन विल बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।